हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज अपन बात करेंगे काइनेमेटिक्स की प्रॉब्लम के बारे में। जेईई वो नीट के लिए प्रॉब्लम है, ये किस तरह से सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को। क्वेश्चन में दे रहेगा 4% PQRS ऑफ सेम मास ट्रेवल विद सेम स्पीड। यहाँ पर स्पीड सब सेम दे रखी है अलोंग द स्क्वायर ऑफ साइड डी। यहाँ पर डी साइड क्या है स्क्वायर की, डी दे रखी है। अब यहाँ पर दे रखा है सच दैट ईच वन ऑलवेज फेसेस द अदर। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर यदि ये खड़ा है ना तो हमेशा ये इस तरफ देख के चलता है, ठीक है ना। अपन को यहाँ पर आफ्टर व्हाट टाइम दे विल मीट ईच अदर, मतलब ये सब आपस में मिल जाएंगे, कितना टाइम लगेगा मिलने में, वो अपन को फाइंड करना है। तो आप खुद सोचिए चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कमेंट कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी अपन के पास आते हैं तो अपन क्या करते हैं, रेस्पेक्ट ऑफ मोशन है क्या हो रहा है उसको देखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए किस तरह से करेंगे, जब भी मोशन करेंगे तो देखो समय सिमेट्री है, यहाँ पर सिमेट्री है तो ये श्योर हो गया कि ये सेंटर पर ही मिलेंगे। तो देखिए अपन क्या कर, रेस्पेक्ट ऑफ मोशन देख लेते हैं यहाँ पर। तो यदि मैं इन दोनों को मीट करवा दूँ, इन दोनों को मिला दूँ, तो इसका मतलब सभी मिल गए। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में क्या है, सिमेट्री है यहाँ पर, सभी यहाँ पर सेंटर पर आके सेम ही टाइम में मिलेंगे। ये वाला पर्सन भी यहाँ पर सेंटर पर ही आएगा ऐसे, ये देखो इस तरह से इसका मोशन होगा, ठीक है ना। ये वाला पर्सन भी क्या होगा, सेंटर पर ही आएगा, ये वाला पर्सन भी सेंटर पर आ रहा है, सभी सेंटर पर आ रहे हैं, तो सबको टाइम टी ही लग रहा है, सेम टाइम लगेगा। इसका मतलब इन दोनों को मैं यदि मीटअप करा दूं तो मेरे सब पर्सन के आपस में मिल गए। तो सिंपली अपन क्या करते हैं, रेस्पेक्ट मोशन देख लेते हैं। देखो मैं क्या करूं, इसको रेस्ट पर लेके आ जाता हूं। देखो अपन पी को रेस्ट पर लेके आ जाते हैं, रेस्ट पर कैसे ला सकते हैं, तो मैं सिंपली क्या है पी को रेस्ट पर लेके आऊं, कैसे ले आ सकता हूं। देखो पी की स्पीड क्या है, इस साइड है यू, तो इसको स्पीड में इस साइड यू दे देता हूं, इसको भी यू दे देता हूं, क्योंकि मैं दोनों के रेस्पेक्ट में यहां पर बात कर रहा हूं। तो सिंपली इसको भी स्पीड यू दे दी, इसको भी स्पीड यू दे दी, तो ये क्या हुआ, स्पीड आपस में कैंसिल आउट हो गई, ये पी रेस्ट पर आ गया। जब पी रेस्ट पर आ गया, अब इसकी बात करें अपन एस की, तो एस की ये स्पीड मैंने इसको इस साइड दी है ना, इसका ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो सिंपल सी बात है इसका जो कंपोनेंट होगा ना यहाँ पर इस साइड, वो यू कॉस 90 आएगा, जो कि क्या है जीरो, मतलब ये स्पीड इसके परपेंडिकुलर मोशन को इफेक्ट नहीं कर पाएगी। तो सिंपल सी बात है इसकी स्पीड क्या है यू, और डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस डी है, अपन को ये क्वेश्चन में गिवन है, साइड स्क्वायर की क्या है डी है। तो सिंपल सी बात है अपन फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड क्या है मेरे पास, एस की स्पीड दे रखी है मेरे पास यहाँ पर यू है स्पीड, डिस्टेंस कितनी है डी है, टाइम कितना लगा मान लेते हैं टी लगा। तो सिंपल सी बात है यहाँ पर अपन कैलकुलेट करेंगे तो टाइम की अपन के पास वैल्यू आ जाएगी डी बाई यू, जो कि अपना करेक्ट आंसर है। तो देख सकते हो ऑप्शन है, फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।